किन राजाओं ने किया आक्रमण, किसने दिया शांति पर जोर, कैसे बनती थी रणनीति, किसकी सीमा बढ़ी किस ओर, सम्राट अशोक वे विजेता सिकंदर, सबका इतिहास दोहराना है, सेवाएं देनी है उच्च पदों पर, नया इतिहास बनाना है। नमस्कार, मैं अजय गोदारा, आप पढ़ेंगे मेरे साथ इतिहास, मेरे साथ लक्ष्य के मंच पर। नमस्कार, तेज रैना के फटाफट 25 बड़ी खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 17 जनवरी दिन रविवार। पहली गुजारिश, यदि भाई आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना कोई देरी शुरुआत करते हैं हरियाणा की 25 फटाफट बड़ी सुबह की खबरों की। सुप्रीम कोर्ट में किसान संगठन बोले, बातचीत के लिए बने कमेटी के मेंबर्स कृषि कानूनों के समर्थक, इन्हें हटाएं। लोक शक्ति ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट से कृषि कानून पर बातचीत करने के लिए बनाई कमेटी के मेंबर्स को बदलने की मांग की है। संगठन का कहना है कि इस कमेटी के लिए ऐसे लोगों को चुना जाए जो आपसी सामंजस्य के आधार पर काम कर सकते हैं। अभी कमेटी में शामिल किए गए सदस्य इन कानूनों का समर्थन करते रहे हैं, उनके कमेटी में रहने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हो सकता है। एडवोकेट एपी सिंह ने जरिए दाखिल किए गए जवाब में संगठन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि बहुत खेद के साथ ये जिक्र करना जरूरी है कि इन तीन लोगों की कमेटी का मेंबर बनाकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन किया जा रहा है। संगठन ने कोर्ट की तरफ से दिल्ली पुलिस की याचिका भी खारिज करने की मांग की है। याचिका में 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर मार्च में प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की गई है। पुलिस की दलील है कि इसके जरिए किसान गणतंत्र दिवस के समारोह में रुकावट डाल सकते हैं। किसान आंदोलन से जुड़े 20 लोगों को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का सम्मन, खालिस्तानी समर्थक होने का आरोप। किसान बोले, 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड के डर से ऐसा कर रही है सरकार। कृषि कानूनों पर किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच बात बनती नजर नहीं आ रही है। इसी बीच राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने किसान आंदोलन में सक्रिय 20 लोगों को सम्मन भेजे हैं। ये सम्मन 15 दिसंबर 2020 को सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ दर्ज एक मुकदमे के संबंध में भेजे गए हैं। वहीं किसान नेताओं का कहना है कि सरकार किसानों की 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड की घोषणा से घबराई हुई है, इसी हड़बड़ाहट में ऐसे कदम उठा रही है। किसान संगठन जल्द ही इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी देंगे। जिन लोगों को NIA के नोटिस मिले हैं उनमें से लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान बलदेव सिंह सिरसा और उनके बेटे महताब सिंह सिरसा को भी शामिल किया गया है। इन्हें 17 जनवरी को NIA के दिल्ली हेडक्वार्टर में पेश होने को बोला गया है। वहीं सिख यूथ फेडरेशन भिंडरावाले के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाई रणजीत सिंह, तमदली टकसाल मनदीप सिद्धू, अभिनेता दीपू सिद्धू के भाई नवजीत सिंह बुलोवाल, प्रदीप सिंह लुधियाना, परमजीत सिंह अकाली, पलविंदर सिंह गुरमत प्रचार, सुरिंदर सिंह व केटेरी के पत्रकार जसवीर सिंह, अकाल चैनल के पत्रकार तेजेंद्र सिंह, बंदी सिंह, रिहाई मोर्चा के नेता मौजंग सहित तमाम लोगों को NIA ने समन भेजकर 21 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। NIA ने ये मुकदमा 15 दिसंबर को ही दर्ज किया था, जिसकी FIR संख्या RC 40-220 NIA दिल्ली है। इसे सिख फॉर जस्टिस को एक गैर कानूनी संगठन बताया गया है। मामला UAPA 1967 के तहत दर्ज किया गया है। केंद्र सरकार में अंडर सेक्रेटरी राजीव कुमार की ओर से दर्ज करवाएगी। FIR के मुताबिक भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी कई देशों में भारतीय दूतावासों पर प्रदर्शन और प्रोपेगेंडा करने के लिए विदेशों में बड़ी मात्रा में पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। इस पैसे को गैर सरकारी संगठनों के जरिए भारत में खालिस्तानी समर्थकों को भेजा जा रहा है। किसान आंदोलन में सक्रिय रणदीप सिंह दमदमी टकसाल को भी NIA ने नोटिस भेज दिया है। हरियाणा में ग्राम सचिव की भर्ती परीक्षा रद्द, धांधली होने की बात सामने आई तो कई लोगों को किया गया गिरफ्तार। हरियाणा में ग्राम सचिव की भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है। परीक्षा में धांधली होने की बात सामने आई है, जिसके चलते ये परीक्षा रद्द की गई है। परीक्षा जो कि 9 और 10 जनवरी को सुबह शाम के सेशन में हुई थी, लेकिन पेपर लीक मामले में विभिन्न जगहों पर छापेमारी करने के बाद कई लोगों को पकड़ा गया है। ग्राम सचिव का पेपर लीक कर परीक्षार्थियों को पास कराने की साजिश के मामले में SIT ने पैराडाइज स्कूल के मालिक जगदीप सिंह की पत्नी निशा और दो महिला परीक्षार्थियों को JBT टीचर जगपाल को गिरफ्तार किया है। ASP पूजा वशिष्ठ ने बताया कि अब तक 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दो मास्टरमाइंड समेत 12 नाम सामने और आई है।
आरोपी स्कूल मालिक ने पेपर लीक करने के लिए पत्नी को स्कूल में कक्ष निरीक्षक लगाया। इसी रूम में संगीता परीक्षा दे रही थी। स्कूल मालिक संगीता का पेपर क्लास से बाहर ले गया और फोटो खींचकर गन्नौर के राहुल को भेजी है। संगीता को बुधवार रात और सीमा निशा व जगपाल को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया। संगीता श्रीफ्रान स्कूल के मालिक चरण सिंह की पत्नी है। कैथल में वैक्सीनेशन सेंटर पर विधायक के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन नेताओं ने लगाए नारे। देश भर के साथ हरियाणा प्रांत में जहां कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, लेकिन कैथल में हालात गड़बड़ा गए हैं। यहां पहुंचकर किसान संगठनों के नेताओं ने हंगामा शुरू किया। यहां विधायक लीलाराम गुजर को कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए आना था, लेकिन इससे पहले ही माहौल खराब होने के चलते सेंटर को बदलना पड़ा। यहां का सेंटर सिविल हॉस्पिटल में शिफ्ट करके वैक्सीनेशन शुरू किया गया। इस दौरान करीब एक घंटे तक वैक्सीनेशन का कार्य बाधित रहा। आईएमडी ने कहा कि 45 दिन की सर्दी अभी भी बाकी, 26 जनवरी से बरसात, फिर कड़ाके की ठंड आएगी, अधिकांश जिलों में छाई रहेगी धुंध। सर्दी का सीजन आधा बीत गया है, 45 दिन की ठंड बाकी है। जनवरी के पहले सप्ताह की ठंड दूसरे सप्ताह में आई है, ये 3 से 4 दिन जारी रहेगी, फिर भी 5 या 4 दिन पारा बढ़ेगा। इसके साथ सप्ताह भर फिर से ठंड रहेगी। इससे पहले दौर से सामान्य अधिक ठंड रही है, क्योंकि दिसंबर के आखिरी 10 दिनों में ही पाला जमा है, जबकि जनवरी के पहले 10 दिन में बिना पाला के निकल गए। दूसरे सप्ताह में पाला जमा, फिर से गहरी धुंध छाई रही, यानी कुल मिलाकर दिन व रात सामान्य से ठंडे रहे हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ रबी की करीब 32 लाख हेक्टेयर फसलों को मिलेगा। अभी उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी। हरियाणा में पिछले साल यानी 2020 को दिन रात सामान्य से ठंडे रहे। सूबे के उत्तर के जिले अंबाला, उत्तर पूर्वी करनाल और पश्चिमी के जिले हिसार की साल भर के न्यूनतम और अधिकतम तापमान का आंकलन किया गया है। सर्दियों में भी हरियाणा में दिल्ली में जल संकट, हंथनीकुट बैराज पर यमुना नदी में पानी घटा। सर्दियों में पहाड़ों पर बर्फ जमने व बरसात कम होने की वजह से हंथनीकुट बैराज में पानी का जलस्तर कम हो गया है। इससे हरियाणा और दिल्ली में जल संकट का खतरा मंडराने लगा है। हंथनीकुट बैराज पर फिलहाल 3000 क्यूसेक पानी है। अधिकारियों के अनुसार पिछले 10 सालों में सिर्फ 2017 में ही ऐसी स्थिति बनी थी जब बैराज पर इतना कम पानी हुआ। पिछले 35 साल के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि यमुना में इस बार बरसात के मौसम में भी पानी नहीं था। हरियाणा के हंथनीकुट बैराज से निकलने वाले पानी देश की राजधानी दिल्ली के साथ साथ हरियाणा में पश्चिमी, उत्तरी और उत्तर प्रदेश के जाता है। इससे पानी का संकट बना हुआ है। समय बैराज पर पानी काफ़ी कम हो गया है, इससे अन्य प्रदेशों को जाने वाली पानी पर भी असर पड़ा है। हंथनीकुट बैराज को 9000 क्यूसेक पानी की जरूरत होती है, इसके साथ ही पानी आगे भेजा जाता है। फिलहाल यहां से दिल्ली सहित अन्य प्रदेशों में जाने वाले पानी की आपूर्ति कराने में मुश्किल बने हुए हैं। हरियाणा में 224 नई योजनाओं को मंजूरी, करीब 300 करोड़ की आएगी लागत। मुख्यमंत्री खट्टर की अध्यक्षता में हुई हरियाणा राज्य सूखा राहत व बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 52वीं बैठक में 245 करोड़ रुपए की 218 नई योजनाओं और जन स्वास्थ्य अभियंत्री विभाग की 49.27 करोड़ रुपए की 6 योजनाओं को मंजूरी दी गई है। बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और कृषि व किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्तों व अन्य विभागों को अधीक्षण अभियंताओं को लघु अवधि की योजनाओं को 30 जून 2021 तक पूरा करने के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तेजी से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जन स्वास्थ्य अभियंत्री विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उपायुक्तों और जिला नगर आयुक्तों के साथ तालमेल रखें उन क्षेत्रों जहां जल भराव की संभावना है, जिन्हें आज की बैठक में अनुमोदित योजनाओं में शामिल नहीं किया गया। ऐसे क्षेत्रों से पानी की निकासी के लिए अलग से डिवारेटिंग योजना का मसौदा तैयार करें ताकि जल भराव की समस्या से निपटा जा सके। शराब के नशे में भाई ने ही ली भाई की जान, कोल्हाड़ी से गर्दन काट कर दी हत्या। जींद के संडील गांव से एक बेहद ही सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर मामूली सी बात को लेकर कहासुनी के चलते बड़े भाई ने छोटे भाई की कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने मृतक कुलदीप की बहन विमला की शिकायत पर बड़े भाई महिपाल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। मृतका की बहन विमला ने पुलिस को दी जानकारी में बताया है कि कुछ दिन पहले वह ससुराल डाहौला ने अपने मायके संडील गांव में आई थी। शराब के नशे में शुक्रवार को उसके भाई कुलदीप और महिपाल के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। दोनों का विवाद इतना बड़ा कि गुस्से में आकर महिपाल ने कुलदीप की गर्दन पर वार कर उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। हरियाणा की जेलों में बंदियों के लिए जेल रेडियो की शुरुआत।
हरियाणा के जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने पानीपत की जिला जेल में राज्य के पहले जेल रेडियो की शुरुआत की है ताकि बंदियों के जीवन में सुधार व कुछ नयापन लाने का प्रयास किया जा सके। जेल मंत्री ने हरियाणा की सबसे नई पानीपत की जेल में जेल रेडियो की शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की है। कहा कि जेल रेडियो की ये कोशिश जेलों के सुधार गृह बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। उल्लेखनीय है कि इस कार्यक्रम के आने से एक प्रकार से नए साल की शुरुआत हरियाणा की जेलों के लिए खुशियां लेकर आई है। पानीपत जेल रेडियो का उद्घाटन हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव महानिदेशक के सिल्वराज और तिनका फाउंडेशन एवं लेडी श्रीराम कॉलेज में पत्रकारिता विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर वर्तिका नंदा और श्री देवी दयाल ने किया। गत दिसंबर 2020 में फरीदाबाद अंबाला पानीपत जेल में बंदियों को ट्रेनिंग करवाई गई थी। तिनका फाउंडेशन ने जेल रेडियो स्टेशन शुरू कराने की पहल की थी। हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में जारी मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक प्रदेश में 167 लोगों की आई कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। अब तक पॉजिटिव केसों की संख्या 266,171 पर जा पहुंची है। वहीं पर गुरुग्राम में 35 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। फरीदाबाद में 21, सोनीपत में 5, हिसार में 2, अंबाला में 9, करनाल में 13, पानीपत में 18, रोहतक में 12, रिवाड़ी में 2, पंचकुला में 22, कुरुक्षेत्रा में 8, यमुनानगर में 9, सिरसा में 2, महेंद्रगढ़ में 1, भिवानी 4, झज्जर 1, पलवल 2 और कैथल में 1, जबकि नौ जींद और पलवल में कोई भी कोरोना का पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। काबिले तारीफ हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री विज का जज्बा है। नाक में लगी ऑक्सीजन ड्रिप के साथ ही पहुंच गए हॉस्पिटल। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ऐसे ही गब्बर मंत्री के नाम से मशहूर है। उनके काम करने का तरीका भी उन्हें गब्बर मंत्री बना देता है। हालांकि बीते काफ़ी दिनों से उनकी तबीयत ढीली होने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाए, लेकिन कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण की शुरुआत में वे खुद को रोक नहीं पाए। किसानों के साथ हूं और आखिरी सांस तक रहूंगा, जल्द होना चाहिए फैसला, रामकरण काला का बड़ा बयान। हरियाणा में जेजेपी और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से बनी सरकार को किस समय झटका लग जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। भले ही सरकार अपनी मजबूती की कितने ही दावे कर रही हूं, समर्थन देने वाले निर्दलीय और जेजेपी के विधायक भी सरकार के सच्चे साथी होने का कितने भी दावे कर रहे हो, लेकिन अपने राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए किसी भी समय बड़ा फैसला लेकर सभी को अचंभित कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर समर्थन देने वाले विधायक किसान बहुल्य क्षेत्रों से विजयी होकर विधानसभा में पहुंचे हैं। किसानों के दबाव में सरकार से दूरी बनाए कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होगी, ऐसी राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है। जहां पर सुरक्षित सीट शाहबाद मारकंडा से जेजेपी विधायक रामकरण काला ने एक विशेष मुलाकात में बताया है कि कुछ समय पहले ही सरकार को 26 जनवरी तक आंदोलन के खत्म होने पर सदस्यता से इस्तीफा देने की बात कही थी। उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि वे हमेशा किसानों के साथ हैं। बाइक सवार ने महिला से छीना बैग, हॉस्पिटल में जा रही थी महिला। बाइक सवार युवक एक महिला के हाथ से बैग छीनकर फरार हो गए। महिला द्वारा काफी शोर भी मचाया गया, लेकिन बाइक सवार फरार होने में कामयाब हो गए। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल बाइक सवार दो युवक आए और उसके हाथ से बैग छीनकर फरार हो गए। इस बैग में 10,000 रुपए से अधिक की नकदी, आधार कार्ड था। काफी शोर भी मचाया, लेकिन आसपास किसी के कहीं होते नहीं होने के कारण युवक अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। घर जाकर उसने अपने परिजनों को बताया, जिसके बाद पुलिस को शिकायत है वो दी गई है। उधर हरियाणा के डबवाली के सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर अर्चित बंसल ने कोविड वैक्सीन का टीका लगवाने से साफ मना कर दिया। इसको लेकर डॉक्टर ने बकायदा लिखित में बताया कि मुझे कोरोना वैक्सीन के इस टीके से जुड़े सभी फायदे मालूम है, लेकिन मैं अपनी इच्छा से कोरोना की वैक्सीन का ये टीका खुद नहीं लगवाना चाहता। डॉक्टर ने ये बात रजिस्टर में लिखकर दर्ज भी करवाई है। इसके अलावा डबवाली नागरिक हॉस्पिटल में जिन 100 लोगों को कोविड का टीका लगाना था, उनमें से सिर्फ 14 लोगों ने ही दोपहर 2 बजे तक कोविड का टीका लगवाया। इन 14 में से 4 डॉक्टर शामिल थे, जबकि 10 आउटसोर्सिंग कर्मचारी व स्वास्थ्य विभाग के अन्य पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारी थे। पहला टीका हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत सतीश कुमार को लगाया गया। कुल मिलाकर कोविड का टीका लगाने को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों में उदासीनता नजर आई है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य विभाग साधारण आदमी को कोविड वैक्सीन के टीकों को लगवाने के लिए कैसे तैयार करेगा। ईमेल आईडी हैक कर कंपनी से 25 करोड़ की ठगी। हैकरों ने लंदन की बैंक में डलवाए विदेशी पैसे। यमुनानगर स्थित इस जैक हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड की एक ईमेल आईडी हैक कर हैकरों द्वारा 25 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया। ये पैसा लंदन के
TSB नामक एक बैंक अकाउंट में डलवाया गया है। इसका पता तब लगा जब कंपनी के पास पेमेंट नहीं पहुंची। दो बार ये ठगी की गई। इस ठगी से जुड़ी पुलिस जो दो अलग अलग शिकायतें मिली है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धारा 420, 406 और 66D के तहत दो FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के मुस्लिम बहुल्य जिला नूह में साल दर साल लिंगानुपात में सुधार हो रहा है। मेवात जिला प्रदेश की सूची में तीसरे स्थान पर बरकरार है। दूसरे नंबर पर पंचकुला और पहले नंबर पर सिरसा जिला है, जबकि चरखी दादरी लिंगानुपात के मामले में सबसे पीछे और सबसे फिसड़ी जिलों की सूची में शामिल है। सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल किसान को NIA ने भेजा नोटिस। सोनीपत के सिंघू बॉर्डर पर लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। इसी बीच NIA ने आंदोलन में शामिल किसान जसबीर सिंह को एक नोटिस भेजा, जिसमें उसे पूछताछ के लिए 18 जनवरी को दिल्ली के लोधी रोड बुलाया गया है, जहां पर पंजाब के जलंधर के रहने वाले किसान जसबीर सिंह का कहना है कि यह आंदोलन को कुचलने की कोशिश है। उस पर देश विरोधी धाराएं लगाई गई हैं, लेकिन वे पूछताछ के लिए जरूर जाएंगे। हरियाणा में शुरू हुआ कोरोना का टीकाकरण, आखिर वह समय आ गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। शनिवार के दिन दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई है। PM मोदी ने वर्चुअल संबोधन के जरिए कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत हरियाणा में कई जगहों पर सबसे पहले सफाई कर्मचारियों को तो कई जगह हेल्थ वर्करों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को टीका लगाया गया। बता दें कि प्रदेश को कोविडशील्ड की 241,500 डोज और कोवैक्सीन की 20,000 डोज मिली हैं। टीकाकरण के लिए प्रदेश की 77 साइट्स तय की गई हैं। वहीं अभय सिंह चौटाला के द्वारा से इस्तीफा भेजने के पत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है कि चौटाला, चौधरी देवीलाल और डॉक्टर मंगलसेन के जिस इस्तीफे की बात कर रहे हैं वो डेट बाउंड नहीं थे। चौटाला ने अपने इस्तीफे में 26 जनवरी तक कृषि कानून रद्द न होने की शर्त रखी है। गुप्ता ने कहा कि वे कानूनी विशेषज्ञों से इस पर सलाह ले रहे हैं, उसके बाद ही कोई निर्णय देंगे। वे 27 जनवरी को अभय सिंह की विधानसभा आने की प्रतीक्षा जरूर करेंगे। उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा में भी 100 एकड़ पर फिल्म सिटी बनाने की तैयारी। उत्तर प्रदेश सरकार के बाद अब हरियाणा सरकार ने भी अपने यहाँ फिल्म सिटी बनाने की सोच ली है। सरकार इस योजना पर काम कर रही है। इसके लिए 50 से 100 एकड़ तक भूमि निर्धारित की गई है। इसके लिए अब हरियाणवी कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तर पर हर साल एक अवार्ड दिया जाएगा। कला के प्रोत्साहन के लिए हर संभव सहायता दी जाएगी। ये खुलासा हरियाणा के मुख्यमंत्री ने खुद किया है। पब्लिसिटी सेल के OSD गजेंद्र फोगाट के नेतृत्व में हरियाणवी लोक कलाकारों ने एक समूह ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुलाकात में कलाकारों से हरियाणवी कला की बेहतरी के लिए चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जिससे गायक के अलावा स्क्रिप्ट राइटर और टीम के प्रत्येक सदस्य को शामिल किया जाएगा। चंडीगढ़ में 11 पक्षी और मृत मिले। पंचकुला में 9,000 से ज़्यादा मुर्गियों मारी गई और डेराबस्सी के 2 पोल्ट्री फार्म की रिपोर्ट संदिग्ध। चंडीगढ़ में बर्ड फ्लू के एक भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पक्षियों के मरने का सिलसिला जारी है। लगातार 11वें दिन भी शहर के विभिन्न हिस्सों से पर्यावरण विभाग को कई पक्षियों के शव मिले हैं। इनमें कौवा, कबूतर, बुलबुल और चमगादड़ और मोर शामिल हैं। पर्यावरण विभाग को सेक्टर 50 से एक मोर, सेक्टर 40 से कबूतर और मनी माजरा से एक बुलबुल, रेलवे कॉलोनी से 2 कौवे, इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 से एक मोर और एक कौवा, पंजाब यूनिवर्सिटी से एक बुलबुल और एक चमगादड़ है वो मृत अवस्था में बरामद हुआ है। उधर मरीजों की मौत के मामले में चल रही जांच रफा दफा करने की मांग को लेकर पैसे मांगे 5 लाख रुपए देते 2 डॉक्टर गिरफ्तार। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सरकारी हॉस्पिटल में 2 डॉक्टरों को रिश्वत देते रंगे हाथों विजिलेंस टीम ने गिरफ्तार किया है। मामला मरीज की मौत का है, जिसकी निजी हॉस्पिटल में जांच चल रही है। इस जांच को रफा दफा करने की एवज में ही डील की गई थी। इस डील के तहत 5 लाख रुपए देते हुए 2 डॉक्टरों को पकड़ा गया है, जिनसे पूछताछ करने के बाद दोनों के खिलाफ सेक्टर 17 बैलेंस थाने में भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत केस दर्ज किया गया है। फिलहाल हरियाणा की फटाफट 25 खबरों के इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। किसान आंदोलन को लेकर आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। आपको क्या लगता है, क्या वाकई ही किसानों का आंदोलन अब सही दिशा में जा रहा है? और 19 तारीख को अब 11वें दौर की किसानों की सरकार के साथ बातचीत होनी है। यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले हम पहुंचा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। 20 वर्षों से
विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट चाहे कैंसर, थायराइड, बेल अर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली।